हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर हमारा जो आज का टॉपिक है रियन का, वो है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये हैंस बेथ एंड GH वॉन वेल्क ने दी थी 1930। और इसको देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि हमारी जो VBT थी पीछे वो, और MOT जो थी वो, दो तीन चीज़ें जो हैं कंपाउंड्स की, उसको एक्सप्लेन करने में नाकाम थी। जैसे कि कलर प्रॉपर्टी हो गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, और स्पेक्ट्रा जो है, मतलब जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है आफ्टर लाइट इंट्रैक्शन ट्रांजिशन मेटल का, उसको भी पिछले वाली जो थियरीज हैं आपकी VBT और MOT वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। तो CFT जो है वो दी गई, तो ज़ाहिर है जब हमेशा से जब पिछली थेरीज या रूल्स जो हैं वो आपके पास नाकाम हो जाएं कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, तो उनको अगली थेरीज दी जाती हैं ताकि उनको सारी बातों को एक्सप्लेन करने में हेल्प हो सके। तो एक्सप्लेन जो किया है उन्होंने, वो कहता है कि CFT जो है हमारे पास कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और स्पेक्ट्रा जो है ट्रांजिशन मेटल का, उसको एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें CFT में और VBT में। कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो आपके पास जो लाइगेंड और मेटल एटम के दरमियान इंट्रैक्शन है या जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको वो कोवेलेंट कंसिडर करती है, कि मतलब कि आपका सारा सारा जो है लाइगेंड जो है वो डोनेशन कर रहा होता है। ठीक है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में चल रहा होता है लाइगेंड एंड मेटल के दरमियान। लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो आपके पास यहाँ पे इसको जो इंट्रैक्शन है बीच में लाइगेंड और मेटल आयन का, वो हमारे पास आयनिक कंसिडर करती है। ठीक हो गया, तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। वो कहता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज अ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस दैट कंसिडर हाउ द एनर्जीज ऑफ द डी ऑर्बिटल्स ऑफ अ मेटल आयन आर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइगेंड। ये कंसिडर क्या करेगी आपके पास कि किस तरह डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज हैं, ठीक है, मेटल आयन की, वो अफेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइगेंड की उससे। ठीक हो गया, इसके अलावा वो हमारे पास कह रहा होता है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें अब हमारे पास आएगा किस तरह आपके पास मेटल और लाइगेंड जो है वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे। कहता है जी जो भी इंटरेक्शन आपके पास हो रहा होता है मेटल और लाइगेंड, वो प्योरली आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स के लाइगेंड पे नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइगेंड आता है अपने नेगेटिव चार्ज के साथ और जाके मेटल के साथ अटैच हो जाता है। क्लियर हो की बात, मेटल लाइगेंड दोनों ही वो कहते हैं पॉइंट चार्जेस होती हैं। ठीक है, और आपके पास जो लाइगेंड है वो अप्रोच करता है और डोनेट नहीं होते, बल्कि वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है नेगेटिव लाइगेंड पे हुआ और पॉजिटिव आपके पास उन पे हो गया, क्या उसे कहते हैं, मेटल के ऊपर हो गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट चार्ज, ये जो फील्ड चेंज होता है ये आपके पास डिफरेंट होता है आपके पास डी ऑर्बिटल एनर्जी जो है इसमें, दिस फील्ड चेंजेस द रिलेटिव एनर्जी ऑफ डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया, अब हमारे पास होता क्या है कि जैसे ही आपका लाइगेंड आके अटैच या मतलब के इंटरेक्ट करता है मेटल के ऑर्बिटल्स से, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डी ऑर्बिटल्स को ही फोकस रखते हैं ज़्यादा, तो हमारे पास क्या होता है कि उसकी जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे या आप कह लें कि एनर्जी जो है वो उसमें डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होगी और इसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग इन अ सेंस कि हमारे पास डिफरेंस इन एनर्जी आएगा, हाई एनर्जी चला जाएंगे और वो आपके पास उसमें डिफरेंस इन एनर्जी की वजह से वो स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब जो डायरेक्टली इन द वे ऑफ लाइगेंड है वो हमारे पास हाई एनर्जी चले जाएंगे और जो इन थोड़ा साइड पे हैं लाइगेंड के रास्ते में नहीं आ रहे वो आपके पास लो इन एनर्जी चले जाएंगे। ठीक हो गया, तो दो ग्रुप बनेंगे इसमें, EG और T2G वाले। ठीक हो गया, आपको पता है कि पांच आपके पास ऑर्बिटल लूप्स होती हैं उसकी डी ऑर्बिटल्स की, और उसमें आ जाती है हमारे पास DX2 जो है उसके 2 हो गया, DZ2 हो गया, DX²-Y² हो गया, DXY हो गया, DXZ हो गया, DXYZ हो गया। अब ये जो तीन हैं ये इन बिटवीन ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, मतलब कि इनमें मिक्सचर आ रहा है, और ये जो दो हैं ये ऑन एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं। ठीक हो गया ना,